दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 के बाद वनडे में कोलंबो के मैदान पर भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा तहलका मचाया कि श्रीलंका के बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेकने पर हो गए मजबूर। ये नज़ारा देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाकर हो गया हैरान। तो आखिर श्रीलंका को किस बल्लेबाज ने लगाई नैया पार? श्रीलंका भारत के सामने कितने रनों का रख पाई लक्ष्य? कैसे अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज और शिवम दुबे की घातक गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुआ लंका? अब तक खेले गए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय टीम ने 3-0 से हरा कर किया कब्जा। उसके बाद दोनों टीम में वनडे मैच खेलने के लिए कोलंबो पहुंचे, सिक्का उछाला गया तो टॉस श्रीलंका के कप्तान ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अभिषेका फर्नांडो के साथ पथुमा निशाका आए। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 4 रन दिए। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए नजर आए। श्रीलंका के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और केवल 3 रन दिए। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज और आते ही इन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर शिका फर्नांडो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी और श्रीलंका को 7 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। फर्नांडो टीम के लिए 1 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अब निशांका का साथ देने मैदान पर कुशल मेंडिस आ चुके थे। 3 ओवर में श्रीलंका का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 7 रनों तक पहुंच पाया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से श्रीलंका पर हावी नजर आ रही थी, लेकिन निशांका टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन मोहम्मद सिराज की गलती हुई। गेंद श्रीलंका को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। 5 ओवर में बड़ी ही मुश्किल से 14 रनों तक श्रीलंका का स्कोर पहुंच पाया, लेकिन उसके बाद लंका के बल्लेबाज रन को थोड़ा तेज आगे बढ़ाना शुरू करते हुए नजर आए। 7वें ओवर में निशांका ने सिराज को शानदार चौका जड़कर टीम को 25 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित शर्मा ने 9वां ओवर फेंकने के लिए गेंद अक्षर पटेल को थमाई, लेकिन इनका स्वागत निशांका ने चौका लगाकर दूसरी गेंद पर किया, टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच धीरे धीरे अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 10 ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 37 रनों तक 1 विकेट पर पहुंचा दिया था। बेहद ही संभाल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, भारतीय गेंदबाजों को विकेट देने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 12 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ी एक अच्छे साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी भारत की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए शिवम दुबे ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर कुशल मेंडिस को अपना शिकार बना लिया और लंबे समय बाद भारतीय टीम को एक दूसरा विकेट दिला दिया। कुशल मेंडिस टीम के लिए 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। मैदान पर निशांका का साथ देने सदीरा समर विक्रमा आ चुके थे। श्रीलंका का स्कोर 50 रनों के पार भी पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान पर सेट हो रहे थे और टीम के लिए रन बना रहे थे। 15 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट पर 52 रनों तक पहुंच गया। भारतीय गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं निशांका भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित ने बॉलिंग में बदलाव किया और 18 ओवर फेंकने के लिए कुलदीप यादव को गेंद थमाई। कुलदीप ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। इस ओवर में श्रीलंका के बल्लेबाज रन बनाने के लिए तरस गए। वहीं 19वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अक्षर पटेल ने अपने और तीसरी ही गेंद पर समर विक्रमा को शुभमन गिल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 60 रनों के स्कोर पर तीसरी सफलता दिला दी। समर विक्रमा टीम के लिए 8 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन निशांका एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज यानी कप्तान चरित असलंका आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दोनों ने मिलकर अपनी टीम 68 रनों तक 3 विकेट के पास पहुंचा दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंद नहीं बल्कि गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर को 21वां ओवर फेंकने के लिए थमाया। वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी फिरकी से श्रीलंका के बल्लेबाजों को खूब नचाया। 22वां ओवर तक श्रीलंका का स्कोर केवल 79 रन तक पहुंच पाया, जिसमें उनके 3 विकेट गिरे थे। मैदान पर दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रहे थे। वहीं निशांका अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच धीरे धीरे साझेदारी आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी 24वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान असलंका को रोहित के हाथों कैच पकड़वा कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 4थी सफलता 91 रनों के स्कोर पर मिल गई। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से पकड़ मजबूत कर चुकी थी। जिस तरह से श्रीलंका का स्कोर आगे बढ़ रहा था वो देखकर तो यही
लग रहा था कि भारत के सामने 200 से 220 का टारगेट दे सकती है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम टी20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही नई नई और शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।